आदि टीवी के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पारुल। खबर सीहोर से आपको बता रहे हैं, जहां सीहोर जिले से ये खबर है, किसानों ने फसलों का सर्वे कराने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। किसानों ने पेड़ों पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मुआवजे की गुहार लगाई है। साथ ही प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासनिक अमला हमारे खेतों पर नहीं पहुंच रहा है और न सर्वे कर रहा है, जबकि बारिश के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हमारे गांव की सोयाबीन की सारी फसलें वो पीला रोग लगने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई है और ये कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय ना नहीं जाते हुए हम हमारे ग्राम में ही हमारे खेतों की मेड़ पर ही हमारी समस्या सरकार तक मुआवजा और बीमा के लिए पहुँचाने के लिए हमने सभी काश्तकारों ने हाथों में अपनी फसलों को लेकर व हाथों में थाली लाकर पेड़ पे चढ़कर हमने सरकार तक हमारी गुहार पहुँचाई है। जल्दी